नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनु चहल। टीम इंडिया के फॉर्मर कैप्टन सौरव गांगुली का मानना है, और उन्होंने इनफैक्ट कहा कि वही जो ऋषभ पंत है वो आने वाले समय में धाकड़ बल्लेबाज तो होंगे ही होंगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अगर देखें तो वो सर्वकालिक महान बल्लेबाज बनने की राह पर है। अब देखिए, सौरव गांगुली ने इतना बड़ा बयान दिया है इनफैक्ट ऋषभ पंत के बारे में। और ऋषभ पंत देखिए दोस्तों, ऐसे खिलाड़ी है जिनमें वो एक्सपेक्टर भी दिखता है। और ऋषभ पंत का दिसंबर में जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से उन्होंने वनडे में पहले कमबैक किया और अब टेस्ट टीम में भी उनको चुना गया है। दिसंबर 2022 में इनफैक्ट उनका कार दुर्घटना में वो चोटिल हुए थे और उन्होंने फिर उसके बाद रिकवरी की और शानदार तरीके से, और उसके बाद फिर भारतीय टीम में कमबैक किया। लेकिन अब जब रविवार को टीम चुनी गई तो ऋषभ पंत का वहाँ नाम शामिल हुआ उस टीम में, और उनको पूरी उम्मीद है कि बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से चेन्नई में जो मुकाबला होगा, पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में उनको मौका दिया जाएगा। ऐसे देखें तो पंत ने इस साल की शुरुआत में ही वनडे फॉर्मेट में यहाँ पर कमबैक किया था। ऋषभ पंत को लेकर सौरव गांगुली ने कहा कि मैं ऋषभ पंत को भारत के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाजों में से एक मानता हूं, उनकी टेस्ट क्रिकेट में वापसी से मैं हैरान नहीं हूं, वह भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में खेलते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर वो इसी तरीके का परफॉर्मेंस करते रहे तो टेस्ट क्रिकेट के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शामिल हो जाएंगे। मेरा मानना है कि उसे छोटे फॉर्मेट में बेहतर करने की ज़रूरत है। हाँ, वो प्रतिभाशाली हैं और मुझे यकीन है कि वो जल्द ही ऐसा करने में सफल रहेंगे। यानी कि सौरव गांगुली का मानना है कि ऋषभ पंत अगर वनडे या छोटे फॉर्मेट में कह लीजिए अगर अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो कहीं ना कहीं वो टीम इंडिया के लिए मैचेस तो जिताएंगे, अपना नाम भी भाई बड़ा करेंगे। लेकिन अब दिलचस्प ये होगा जो भारत बनाम बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज होनी है, दो टेस्ट मैचों की अब प्लेइंग 11। जी हाँ दोस्तों, क्या प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत को मौका मिलेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है भाई ऋषभ पंत अगर देखें तो टीम इंडिया की फर्स्ट विकेट कीपर चॉइस होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें कंटेंडर वहां पर ध्रुव जुरेल भी होंगे। और जुरेल वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंग्लैंड सीरीज इनफैक्ट जो हुई थी उसमें अच्छा किया था, और उन्होंने जब जब मौके मिले उन मौक़ों को भुनाया था। लेकिन ऋषभ पंत वो खिलाड़ी जो अभी अभी दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट में 61 रनों की एक शानदार नौक खेली थी, और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो फर्स्ट टेस्ट होगा और जो प्लेइंग 11 होगी उसमें हो सकता है कि ऋषभ पंत को मौका दिया जाए। टीम मैनेजमेंट चाहेगी कि ऋषभ पंत को ही हम विकेट कीपर के रूप में उनको देखें, क्योंकि एक तो लेफ्ट हैंडर हैं, वो ऊपरी बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा प्लेइंग 11 चुनना, क्योंकि जो प्लेइंग 11 लगता है दोस्तों, आप भी बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि रोहित और जायसवाल ओपन करते नज़र आ सकते हैं। नंबर 3 की बात करें तो वहाँ पर शुभमन गिल हो सकते हैं, नंबर 4 विराट हो सकते हैं, नंबर 5 की बात करें तो वहाँ पर अगर देखें तो केएल राहुल का नाम आना लग रहा है, क्योंकि देखिए अय्यर थे इस रेस में लेकिन अय्यर को मौका नहीं मिला है, क्योंकि अय्यर पिछले कुछ समय से खराब परफॉर्मेंस कर रहे थे और इसलिए केएल राहुल वहाँ खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा देखें तो ऋषभ पंत होंगे, फिर रविंद्र जडेजा, अश्विन और कुलदीप यादव नजर आएंगे, और जो दो तेज गेंदबाज होंगे वो बुमराह और मोहम्मद सिराज। एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है ये प्लेइंग 11 टीम इंडिया की होने वाली है, लेकिन ये जो सीरीज है ये काफ़ी एक्साइटिंग होगी, क्योंकि बांग्लादेश वो टीम है जो पाकिस्तान को हरा कर आई है, और टीम इंडिया वो टीम है जो पिछले समय से अगर आप बैटिंग देखेंगे तो बैटिंग टीम इंडिया की दिक्कत रही है, क्योंकि बैटिंग में अगर आप देखेंगे दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट में वहाँ पर भी कुछ कुछ अच्छे रन बनाए कुछ कुछ खिलाड़ियों ने, लेकिन रोहित विराट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम के बाद वो टेस्ट क्रिकेट में कमबैक करने वाले हैं, तो दिलचस्प रहेगा देखना कि बांग्लादेश के पास जो क्वालिटी स्पिनर उनका कैसे सामना करते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।